बड़ी खबर आपको बता दें कि किन्नौर की पहाड़ियों में हल्का हिमपात शुरू हो चुका है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड के चलते जल स्रोत भी जमने लगे हैं। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बरसात और बर्फबारी की संभावना जाहिर की गई है। सैलानियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों पर ना जाने की अपील की गई है प्रशासन की ओर से। सुरेंद्र चौहान हमारे संवाददाता किन्नौर से फोन लाइन पर हैं। सुरेंद्र, क्या अपडेट है मौसम को लेकर? जी, जिला किन्नौर में इस समय जो है ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है, वहां पर हल्का हिमपात शुरू हो चुका है। जहां तक हम जिला प्रशासन किन्नौर की बात करें तो उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आगामी 6 तारीख तक जो है जिले में जो है बारिश और हिमपात होने की संभावना है। तो ऐसे में जो है लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों पर ही रहे, सुरक्षित रहे और बिना किसी कार्य के जो है घरों से बाहर ना निकले। और जो स्थानीय पंचायत प्रधान है, होटल व्यवसायी है और जितने भी लोग हैं, उन्हें जो है आने वाले लोगों को भी आग्रह किया करने के लिए कहा गया है कि वो घरों पर ही रहे या होटल में ठहरे तो होटलों में ही रहे, ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाए क्योंकि किसी भी तरह की आपदा आ सकती है। जी। सुरेंद्र, बर्फबारी के क्या फायदे और क्या नुकसान है स्थानीय लोगों के लिए? जी, जहां तक हम इस बर्फबारी की बात करें तो यहाँ के जो जिले के बागवान है वो उनके लिए काफी लाभदायक है क्योंकि जो है जो यहाँ जिला किन्नौर में जो सबसे जो मुख्य जो है जो नकदी फसल है सेब, काला जीरा, खुमानी, इनके लिए जो है ये जो है जो बर्फबारी है ये बहुत ही लाभदायक रहती है। वही जो है जो स्थानीय लोग जो अन्य जो बाहरी क्षेत्रों से आते हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बर्फबारी से सड़क मार्ग वगैरह अवरुद्ध हो जाते हैं तो उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। तो परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है, लेकिन जैसा कि सुरेंद्र बता रखे थे कि बागवानों के लिए बर्फबारी किसी बड़ी राहत और फायदे से कम नहीं। जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों पर लोग न जाए अपील की गई है। सैलानियों के लिए भी एडवाइजरी प्रशासन की ओर से जारी की गई है। साथ ही मंडी में भी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मंडी जिला प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। 7 जनवरी तक हिमाचल में मौसम खराब रहने की संभावना जाहिर की गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से मंडी में भी अपील की है ऊपरी इलाकों में जाने से बचें। लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की गई है। उपायुक्त की ओर से जानकारी दी गई है। मंडी प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी लोगों की मदद के लिए जारी कर दिया है। नीतीश सैनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। नीतीश, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, मौसम आगे भी खराब बने रहने की संभावना जाहिर की गई है, क्या कुछ जानकारी? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन तक मौसम बिल्कुल खराब रहने की जो चेतावनी जारी की गई है, वही मंडी जिला में ऐसे ही आसार बन गए और आज सुबह से ही मंडी जिला में जो हल्की बूंदाबांदी है वो शुरू हो गई है और जिला प्रशासन द्वारा 4 और 5 जनवरी को येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और प्रशासन का ये भी कहना है कि बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं तो लोगों से ऊपरी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां जाने के लिए मनाही की गई है और किसी भी परेशानी में हेल्पलाइन नंबर भी उपायुक्त मंडी द्वारा यहां पर जारी किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया नीतीश, पूरी जानकारी आपने दी। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों से बचने की अपील की गई है। लोग नालों के पास ना जाएं, ये भी अपील की गई है। तो हिमाचल में मौसम का मिजाज बदल चुका है। लाहौल स्पीति में देर रात से रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। केलांग में भी भारी बर्फबारी हुई है। रोहतांग अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में भी बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाहौल स्पीति से, यहां भी बर्फबारी हुई है, बूंदाबांदी भी हुई है। बर्फबारी का सिलसिला अभी रुक रुक कर जारी है। प्रेमलाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। प्रेमलाल, बर्फबारी हुई है, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रखे हैं, फिलहाल क्या है मौसम का मिजाज? जी बिल्कुल, जो पश्चिमी विक्षोभ के जो सक्रिय होने के कारण जो है जो आज पिछली रात से जो यहाँ पर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, अभी भी बर्फबारी जो है आज जारी है, जिसके चलते यहाँ का जो तापमान है काफी नीचे चला गया है। वही जिला प्रशासन ने भी जो हिदायतें जारी कर रखी है जो अटल टनल के पार जाने के लिए, वहां पर जो 4x4 वाहनों को ही फिलहाल जो है अनुमति दी जाएगी स्थानीय लोगों को। इसके साथ पर्यटक जो
दुंदी से लाहौर या टनल की तरफ आने वाले उन्हें भी फिलहाल जो है रोक दिया गया है, उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। बर्फबारी का सिलसिला जो अभी भी जारी है, इससे जो है जो किसान और बागवान जो काफी समय से जो यहाँ पर बर्फबारी नहीं हो रही थी, इससे परेशान थे। और नए साल में जिस प्रकार से यहाँ के किसानों बागवानों को एक सौगात मिली है नए साल के रूप में, जो बर्फबारी के रूप में, काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी प्रेमलाल, बर्फबारी के साथ साथ सैलानियों की संख्या में भी वृद्धि हुई? नहीं, फिलहाल जो है जो प्रशासन है उन्होंने जो है डुंदी से आगे जो है टनल के इस साइड से लाहौल की तरफ आने के लिए फिलहाल जो है मनाही कर रखी है। और जो ये बाकी जो है मौसम पर निर्भर करेगा, दिन में किस तरह का सड़क रहता है और किस प्रकार से मौसम की स्थिति रहेगी, उस पर जो है आगे की जो है जो जिला प्रशासन जो है इस पर फैसला लेगा। बहुत शुक्रिया प्रेमलाल, ये पूरी जानकारी आपने दी।